नमस्कार, स्टेट जॉब लाइन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप सी और ग्रुप डी, इनका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के सभी ग्रुपों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, आपके ग्रुप सी और डी ये दोनों ग्रुप बचे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इनका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरी जानकारी। उससे पहले, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो और आरपीएफ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिए, ताकि फिर जो भी हम जो वीडियो डालें आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाएगी। अब दोस्तों, आप देखिए, ये आरपीएफ कांस्टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर दोस्तों आप देखिए, ये जो ऊपर एक ऑप्शन है कॉल लेटर फॉर पीईटी पीएमटी एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसमें आप देखें तो दोस्तों ग्रुप बी और ग्रुप एफ इनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अभी ग्रुप ए के फिजिकल के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। और यहां पर आप देखें, आपका जो रिजल्ट है वो ग्रुप ए बी और एफ इन तीनों का जारी किया गया है आज से दो दिन पहले ही। लेकिन दोस्तों, अभी तक ग्रुप ए के फिजिकल के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो दोस्तों, अब पहले आरपीएफ में सबसे पहले अपडेट यही होगी कि ग्रुप ए के फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उसके दोस्तों बाद में तुरंत आपका ग्रुप सी और डी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ग्रुप ए के एडमिट कार्ड हम लगाएं तो आज या कल में एक दो दिन में आपके पक्का आ जाएंगे। और दोस्तों, आपका जो ग्रुप सी और डी का रिजल्ट है वो आप देखिए, लगभग आपका संभावित है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम खत्म हुए बहुत दिन हो गए हैं, आंसर किया है भी बहुत दिन हो गए हैं, अब आपका रिजल्ट है उसका काम लगभग तैयार ही हो चुका है। और दोस्तों, आपका रिजल्ट लगभग संभावित है 20 से 25 मार्च के बीच। अब 20 तारीख से पहले तो रिजल्ट आने की संभावनाएं बहुत कम है, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही हैं। अभी दो तीन दिन तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद में दोस्तों, 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी इन दोनों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें कि 10 गुना से थोड़े से ज्यादा विद्यार्थी पास होंगे। और दोस्तों, ओबीसी के कट ऑफ जनरल से ज्यादा जाए, अगर ऐसा हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आयु है वो ज्यादा बड़ी आयु वाले विद्यार्थी ओबीसी में आ रहे हैं, पास हो रहे हैं, ज्यादा बड़ी आयु वाले विद्यार्थियों के अच्छे नंबर हैं, इसलिए दोस्तों कट ऑफ है वो ओबीसी की जनरल से ज्यादा भी जा सकती है और कुछ ग्रुपों में गई भी है, उसके लेकर उसको लेकर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए बड़ी खबर। अगर दोस्तों आपके मन में रिजल्ट से संबंधित डाउट था और आपका डाउट दूर हो गया है, यानी कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी जानकारी प्राप्त कर सकें। और ऐसे ही आरपीएफ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिए। जब भी रिजल्ट आएगा तो आपके लिए तुरंत वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।